हम जाने थे हम सरकारी ला हम जाने थे मोदी ला बच्चे आपके पढ़ने वाले हैं, उनके तरफ से मुकदमा होगा। आज के डेट में पढ़ाई तो होगी, नियमन धर्म तो बच्चा कुछ होना है, तो एक मुकदमा कायम कराएंगे। हम लोगों की समस्या ये है कि ये जो छुट्टा पशु इस समय इतना आतंक मचा है कि हमारी बीघे बीघे खेती जो चल रही है, कम से कम रात में समझ लिए हम लोग जाग करके हम लोग बीमार हो जा रहे हैं इनके चक्कर में। और इसका जो कोई समाधान सरकार नहीं कर रही है, खाली कर रही है कि हम वहाँ बनवा रहे गौशाला, वहाँ बनवा रहे, ये क्या मतलब चल रहा है भाई? हम लोग की समस्या ये है कि इन लोगों से हमें छुटकारा जल्द से जल्द दिलाया जाए, नहीं तो हम लोग बहुत परेशान हो जाएंगे और कोई गलत कदम उठा लेंगे। इसलिए मैं सरकार से निवेदन है कि इसके लिए जरूरी कदम उठाए और इनकी सुरक्षा जो कि गौवंश के लिए जो आप बनवा रहे हैं, जल्द से जल्द उसकी व्यवस्था करिए और हमारी निराकरण करिए कि हमारी जो फसलें नुकसान हो रही है, हम किस तरीके से भाई गरीबी में झेलते हुए इनको पैदा कर रहे हैं फसल, हमारी जो फसल जब नुकसान हो, बाल बच्चे क्या खाएंगे? इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि इसकी जल्द से जल्द निराकरण कराए और हमें इससे जो है कि मुक्त कराए इस समस्या से। हमारी मांग ये है कि SDM साहब आएँ और कोई ट्रक वरक लेकर के आए और इनको लेकर के यहाँ से जाएं और जंगलों में छोड़वाएं भाई, यहाँ पे मत छोड़वाएं, छोड़वाएंगे तो फिर हम इसी स्कूल में बंद करेंगे। समस्या ये है कि हमारा मझगवा कला के ग्राम सभा का ये बनपुरवा गांव है और हमारे गांव में हमारे खेतों में जो छुट्टा पशु आवारा पशु ये घूम रहे हैं, ये हम लोग की फसलों को नुकसान कर दे रहे हैं क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि भराई और इसके बाद बीज इतना महंगा हो गया, कैसे कैसे किसान बेरोजगार लोग वो करके अपना खेत का सिंचाई और बुआई कर रहे हैं और ये छुट्टा पशु जाकर जो हमारे खेतों को नष्ट कर दे रहे हैं। इसलिए हम लोगों को प्रॉब्लम इतनी हो रही है कि हम लोग के घर में खाने पीने में प्रॉब्लम होगी और सभी दिक्कत बढ़ती जाएगी क्योंकि जिस प्रकार से लोग नष्ट कर रहे हैं, हर गांव में एक नहीं 10-10, 20-20 पशु घूम घूम कर हमारी फसलों को नुकसान कर रहे हैं। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि कृपया इस चीज़ को लेकर गहराई में लेते हुए हम लोग की समस्या का निदान करा जाए और हम लोग जो ये सब कर रहे हैं, प्रशासन लगातार दबाव बना रही है, हम लोग चाहते हैं कि उनको जेल भेज देंगे, ये कर देंगे। कितने पशुओं को आप लोगों ने विद्यालय में? कम से कम 52 पशुओं को हम लोगों ने विद्यालय में बंद कर रखा है। हमारी मांग है, सरकार से यही मांग है कि हमारे जो कि पशु को जो हम लोग बंद किए हैं उसको अपने मतलब यहाँ से कहीं दूर पे छोड़वा दिया जाए, हमारे फसलों को से बचाया जाए। और हम लोगों को कुछ लोग धमकियाँ भी दे रहे हैं, सरकार से निवेदन है कि कम से कम उसको लेकर कार्रवाई की जाए। विद्यालय पठन पाठन बाधित रहा, बच्चे आए, बच्चे को जो है अपने उच्च अधिकारियों से वार्ता के क्रम में हम लोगों ने विद्यालय को बंद रखा और इन लोगों के अंदर नहीं जाने दिया। आगे SDM साहब आए हैं, उनसे वार्ता हो रही है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे डायनामाइट न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।